गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम समानता श्रेणी के बारे में देखेंगे कि समानता श्रेणी क्या है और उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, हमको आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक सीरीज है A1 A2 AN, इसमें को समांतर श्रेणी कहते हैं यदि इसका अगला पद में एक समांतर डी को जोड़ते हैं तो अगला पद मिलता जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि A1 आपका प्रथम पद, A2 जो है आपका द्वितीय पद होगा और इसका मान होगा A1 प्लस डी। इसी प्रकार A3 क्या होगा आपका तृतीय पद, इसका मान होगा प्रथम पद और एक डी और ऐड किया ए प्लस टू डी। इसी प्रकार A4 कितना हो जाएगा A1 प्लस 3D। इसी प्रकार अगर हम कंटिन्यूटी चलाएंगे तो AN का मतलब क्या होगा N वा पद और इसका मान हो जाएगा A1 प्लस, यहां देखेंगे जब तीन की बात कर रहे हैं यहां सफिक्स तीन है तो यहां दो है, जब यहां सफिक्स दो है तो यहां सफिक्स एक है, एक कम होता है, यहां हो जाएगा N-1 × D। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया N पद का, ठीक है। यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लें। यदि A प्रथम पद हो, L अंतिम पद है, D सर्वांतर है और N पदों की संख्या हो तो यह क्या कहलाएगा N पदों का योग, N पदों का योग का यह फॉर्मूला हो जाएगा। इसको सभी बच्चे नोट कर लें, इनको हम क्वेश्चन में हल करेंगे। इसी प्रकार N पदों का योगफल का ये दूसरा फॉर्मूला है, इसमें L जो है यूज किया है वो अंतिम पद है, L क्या है यहां पर अंतिम पद, A क्या है यहां पर प्रथम पद, N क्या है यहां पर पदों की संख्या और D जो शब्द यूज किया है उसको हम बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है। तो ये पदों के नाम है और इन पदों के को यूज करके हम N पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, समांतर मानते हैं तो दो संख्याएं दी हैं, A तथा B का समांतर मानते कितना होगा A प्लस B अपॉन 2, ये मान होता है। तो इसको नोट कर लें, अब हम प्रश्नावली 9.2 को देखते हैं। इसमें हमको 1 से 2001 तक विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहला पद 1 है तो अगला विषम पद क्या होगा 3, अगला 5, 7 और अंतिम पद कितना है 2001, क्लियर। तो यहां पर A कितना है प्रथम पद 1, सर्वांतर D कितना है 3 में से 1 घटा दिया 2 और अंतिम पद कितना है 2001। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N-1 × D, क्लियर। इसमें मान रख दीजिए तो 2001, A का मान 1, N का मान हमको मालूम नहीं है और D का मान है 2, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका N-1 × 2 2001-1 बराबर 2000। तो N-1 = हो जाएगा 2000/2, कितना 1000, एन की वैल्यू हो जाएगी।
तो यहाँ एन का मान हो जाएगा 1000 प्लस 1 इक्वल 1001। तो हमको अब योग ज्ञात करना है, तो योग का फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो एन कितना है यहां पर? एन कितना दिया हुआ यहां पर? 1001 बटे दो, और प्रथम पद एक कितना दिया? एक, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 2001। तो इसको हम थोड़ा सरल कर लेंगे, तो 1001 गुणित 2002 बटे दो, तो दो से कैंसिल हो जाएगा 1001, तो ये आ जाएगा आपका 1001 का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्या का योग कर दीजिए जो 5 का गुणज हो। तो हम यहां देखते हैं कि 100 5 का गुणज है, उसके बाद अगला 5 का गुणज कौन सा होगा? 105, फिर इसके बाद 110, 115 और अंतिम पद कितना हो जाएगा? 1000। तो यहां पर ए कितना है? 100, डी कितना है? 5, और अंतिम पद कितना है? 1000। और पदों की संख्या हमको नहीं मालूम, तो ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करोगे? एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें मान रख दीजिए। तो एल कितना दिया हुआ है? 1000। ए कितना दिया हुआ है? 100, एन माइनस वन और डी दिया हुआ 5। इसको सॉल्व करेंगे तो एन माइनस वन इंटू 5, 100 को घटा दो तो 900, एन माइनस वन कितना हो जाएगा? 900 बटे 5 कितना हो गया? 1800। स्टार्ट कर दीजिए, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 180 प्लस 1 181। ठीक है, तो हमको अब n की वैल्यू मिल गई है। अब हम n पदों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो Sn इक्वल टू होता है n अपॉन 2 a प्लस l। तो n की वैल्यू कितनी दी यहां पर? 181 बटे 2, और प्रथम पद दिया है 100 और अंतिम पद दिया हुआ है 1000। तो कितना हो जाएगा? 181 इंटू 1100 भागित 2, तो ये हो जाएगा 181 इंटू 2 से भाग दे दो, 2 5 10 2 5 10 0, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें समांतर श्रेणी का पी वा पद दिया हुआ है, पी वा पद, तो पी वा पद कितना हो जाएगा? मान लेते हैं ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, आपको ए और डी मालूम, प्रथम पद और सावंतर है, और क्यू वा पद, क्यू वा पद कितना दिया है? तो पी वा पद का मान कितना दिया है? 1/q, और क्यू वा पद दिया हुआ है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/p। तो ये दो समीकरण हैं आपके, इनको हम घटा देंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका P माइनस क्यू इक्वल 1/q
माइनस वन अपॉन पी। इसको सिंपल कर लेंगे तो पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो हम देखते हैं डी की वैल्यू है आपकी पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू वन अपॉन पी माइनस क्यू, ये कैंसल हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन पी क्यू। अब हम ए का मान ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं ए इक्वल टू होगा आपका वन अपॉन क्यू माइनस पी माइनस वन और डी का मान है वन अपॉन पी क्यू। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा पी माइनस पी प्लस वन अपॉन पी क्यू, तो पी और पी कैंसिल हो गए वन अपॉन पी क्यू। अब हमको पी क्यू पदों का योगफल निकालना है तो आपका क्या चाहिए पी क्यू पदों का योगफल, तो क्या फार्मूला हो जाएगा पी क्यू अपॉन टू और प्रथम पद टू ए, तो टू ए इसमें फार्मूला लगाए आपको कौन सा फार्मूला लगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो एन की वैल्यू आपने रख दी क्या पी क्यू, ठीक है टू ए, तो टू और ए की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है वन अपॉन पी क्यू प्लस एन का मान कितना है पी क्यू माइनस वन और डी का मान भी पी क्यू है। इसको थोड़ा सरल कर लीजिए पी क्यू अपॉन टू टू प्लस पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू, ये कैंसल हो गया तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस वन अपॉन टू, या इसको ऐसा लिख सकते हैं वन बाई टू पी क्यू प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर ओके थैंक यू।